राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, सबकी नजर यूपी की सियासत पर टिक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश का सर्वशक्तिमान बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं। यही वजह है कि इन चुनाव में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया है। एनडीए ने ऐसा करके बड़ा सियासी दाव चला है। एनडीए मुर्मू को लेकर उन लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महिला और आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू की जीत इस देश के वंचित समाज के लिए एक कोशिश होगी। द्रौपदी मुर्मू को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी। वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले वोट्स के करीब 14% वोट उत्तर प्रदेश के पास हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े प्रदेश के सांसदों और विधायकों की भूमिका अहम रहने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और देश भर के राज्यों की विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं। ऐसे में अगर संख्या को देखा जाए तो इस आंकड़े का करीब 14% वोट उत्तर प्रदेश के पास है। यूपी जैसी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य के साथ साथ देश की सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें भी यहीं पर हैं। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 और विधायक के वोट की वैल्यू देश में सबसे ज्यादा यानी 208 है। ऐसे में अगर एनडीए, बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिला लें और इनकी स्थिति को देखें तो 64 लोकसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है तो ऐसे में एनडीए के यूपी से लोकसभा सांसदों के वोट की वैल्यू 44,800 होगी। वहीं अगर राज्यसभा में बीजेपी सांसदों का मूल्य देखें तो सांसदों की संख्या 25 के वोट की कुल वैल्यू 17,500 है। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के वोट मिलाकर देखें तो 62,300 कुल वैल्यू वोट होंगे। अब उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट की वैल्यू देखें तो यूपी में 403 विधानसभा सदस्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों के पास 273 विधायक हैं। एक विधायक की वैल्यू 208 के हिसाब से बीजेपी और सहयोगियों को मिलाकर उनके वोट का मूल्य 56,784 होगा। अब अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर उनके वोट की वैल्यू तय करें तो सपा गठबंधन के 125 विधायकों के वोट की वैल्यू 26,000 होगी। उसी तरह सपा के सभी 3 लोकसभा 3 राज्यसभा सांसदों के वोट की कीमत 4,200 है। खास बात यह है कि अभी आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव के बाद ये 2 सांसद भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सांसदों के वोट की गिनती में बीएसपी की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी के लोकसभा में 10 सांसद हैं तो वोट की वैल्यू 7,000 हुई। ये संख्या भी अहम है, पर जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलती हैं, ऐसे में इन वोट्स पर सबकी नज़र थी। अब ये तय हो गया है कि मायावती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रही हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि ये 7,000 वोट भी अब बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले मतों की संख्या को देखें तो बीजेपी और सहयोगी दलों के अलावा अब मायावती का भी समर्थन में उतर जाना द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश से भी बहुत मजबूत बना देता है। ये तब है जब इसमें आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव के नतीजे और क्रॉस वोटिंग या निर्दलियों का झुकाव शामिल नहीं है। इसी तरह विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपा के विधायकों के 26,000 और सांसदों और विपक्ष के सांसद सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी जैसे वोट मिलाकर 37,716 वोट मिलना तय है। यूपी के मतों की संख्या देश भर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले मतों का कुल 14.86% है। द्रौपदी मुर्मू को यूपी से भी संख्या में वोट मिलने के बावजूद और वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ओडिशा से आने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी का समर्थन मिलने पर आस टिकी थी, जो पूरी होती दिखाई दे रही है। वहीं यूपी में उनकी नज़र मायावती पर थी, जो वनवासी समाज और महिला होने के नाम पर अंतिम समय में अपना फैसला उनके पक्ष में पहले ही सुना चुकी हैं। साथ ही आदिवासी समाज के लिए मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन साफ तौर पर मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू के लिए अब जीत की राह आसान दिखाई दे रही है और इसका रास्ता निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। खास तौर पर मायावती का समर्थन उन्हें और मजबूत बनाता है, यानी आदिवासी कार्ड खेलना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ और ये पासा सही पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।